नालंदा की पांच बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो अहले सुबह राजगीर और थाना इलाके से खबर मिली जहां ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। इस युवक की पहचान, मृतक की पहचान बिहार शरीफ के दीपू कुमार के रूप में की गई है, जो कि लहेड़ी थाना क्षेत्र में का रहने वाला है। वही खबर, दूसरी खबर की हम बात करें तो आज बिहार शरीफ ANM हॉस्टल के छात्राओं को सेवा, कैंपिंग एंड लाइटिंग का शपथ दिलाया गया। इसके बाद आज के बाद से वे विभिन्न वार्डों में जाकर जितने भी मरीज यहां आते हैं उनकी वो सेवा करेंगी। इसके अलावा हम बात करें तो आज गिरियक प्रखंड के मिडिल स्कूल दौलाचक में बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन DPM हेमचंद्र और BO सुरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा कई तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, पेंटिंग इत्यादि का बच्चों ने अपनी प्रतिभा का मौका दिखाया। इसके अलावा बात करें तो रक्षा प्रमुख बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई है NCC कैडेटों के द्वारा। NCC कैडेट कार्यालय में हमारे जो रक्षा प्रमुख बिपिन रावत थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनके साथ 11 जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। अगर हम बात करें पांचवी खबर को तो आज चंडी पुलिस ने देसी विदेशी शराब के साथ 4 बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। ये लोग बाइक में ले जाकर के शराब को अवैध कारोबारी से जुड़े हुए थे। अगर हम पांचवी खबर करें तो आज शाम को आ रही थी, जहां पिछले 7 नवंबर को परवलपुर बड़ी मठ के समीप हुए सड़क हादसे में जख्मी अधेर की मौत आज इलाज के दौरान हो गई। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंची है। NVT ऑनलाइन के लिए प्रणय कुमार राज, बिहार शरीफ, नालंदा। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।